नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नव्या फूड ब्लॉगर में। तो आइए, आज मैं कुछ सब्जियों से कुछ नया नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, ये मेरे पास है गाजर जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ है कुछ मेरे पास ये पत्ता गोभी जिसको मैंने इसको भी कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे है बीन्स जिसको मैंने बारीक करके कट कर लिया है। और यहाँ पे है मेरे पास कुछ शिमला मिर्च जिनको मैंने इन्हें सभी को कट करके रख लिया है। यहाँ पे है मेरे पास कुछ हरी मटर जिसको मैंने गर्म पानी में डाल रखा है सॉफ्ट होने के लिए। और है मेरे पास यहाँ पे प्याज, एक प्याज है जिसको मैंने बारीक करके कट किया है। दो हरी मिर्च है जिसको भी मैंने कट कर लिया है। और मेरे पास है आलू। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिलिंग बनाएंगे। तो चलिए फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है, अब मैं उसमें डाल देती हूँ ये सारी सब्जियाँ। तो मैंने सभी को इसी तरीके से इसमें डाल देती हूँ। आप अपनी पसंद से और भी सब्जियां ले सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, या अगर आपके पास एक या दो ही सब्जी है आप उससे भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा सब्जियां होंगी तभी हम बने को बना पाएंगे। और ये मैं मटर भी इसमें से गर्म पानी में से निकाल करके इसमें डाल देती हूँ। आप इसे थोड़ा सा मैश करके भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, ये हमने सभी को इसी तरीके से डाल दिया है। मैं ये प्याज और हरी मिर्च को भी डाल देती हूँ। अब यहाँ पे बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं, बाइंड करने के लिए। आलू ऑप्शनल है, अगर आपको उबले हुए हैं आपके पास तो आप डाल लीजिए, वरना तो आप कद्दूकस करके भी इसमें कच्चा आलू डाल सकते हैं। तो मैं इसको तोड़ करके इसमें एक दो आलू डाल देती हूँ। इससे बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसमें कुछ सूखे मसाले भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। आपको जितना तीखा पसंद है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून में नमक डाल रही हूँ, और 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ गर्म मसाला। थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर, आप साबुत धनिया भी ले सकते हैं। और कुछ जाएगा इसमें खट्टे के लिए, या तो आप चाट मसाला डाल दीजिएगा, या अमचूर पाउडर, या अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें डाल दीजिए नींबू का रस। तो मैं 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर भी डाल देती हूँ इसी में। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चम्मच की हेल्प से या हाथों से इस तरीके से मैश कर सकते हैं। हाथों से बहुत अच्छी तरीके से मैश हो जाएगा। इसे थोड़ा इस तरीके से मैश कर लीजिए सभी को। तो ये देखिए, ये अच्छी तरीके से मैश हो गया है। ये देखिए, सभी अच्छी तरीके से मसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसी टाइम पे आप इसमें थोड़ा नमक चेक करके देख लीजिएगा, अगर नमक कम है तो इसमें और डाल दीजिएगा। तो चलिए, ये फिलिंग तो हमारी हो गई है बनके तैयार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिलिंग हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब हम लगा लेते हैं इसके लिए डो। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूँ का आटा और 1 कप मैदा ली हुई है। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, या सिंगल मैदा के आटे से भी बना सकते हैं। तो मैंने 1 कप गेहूं का ले लिया और 1 कप ले लिया है मैदा। तो मैंने ये दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। तो मैं इन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। तो ये लीजिए, ये मिक्स हो गया है अच्छी तरीके से। अब हम लेंगे अजवाइन। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून अजवाइन ली है, जिसे हाथों से इस तरीके से क्रश करके और हम डाल देंगे। ज़्यादा नहीं लेनी है, बस थोड़ी सी ही अजवाइन लेनी है। अब हम लेंगे इसमें नमक। तो फिलिंग में भी हमने नमक डाली है, इसमें नमक इसी के हिसाब से लेंगे जो हमने ये आटा लिया है। तो मैं 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल देती हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। इससे बहुत ही हमारे खस्ता करारे बनके तैयार होगी हमारी रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं। और बस इसे तेल को डाल के अच्छी तरीके से इसे पहले तेल को आटे के अंदर मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि अच्छी तरीके से ये सभी आटे में मिक्स हो जाए। तो ये लीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके इसका एक डो तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा डो लग करके तैयार हो गया है। और ये देखिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। बस इसे 5 मिनट के लिए और इसी तरीके से मसल करके तैयार कर लेते हैं, जब तक ये थोड़ा चिकना ना हो जाए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसको मसल करके अच्छी तरीके से
चिकना कर लिया है। अब मैं इसे रख देती हूँ 5 मिनट के लिए रेस्ट पे। तो रेस्ट पे रखना बहुत ज़रूरी है, कोई जल्दबाजी ना करें, 5 मिनट का इसे रेस्ट जरूर दे दें। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, हमारा डो भी रेस्ट कर लिया है। अब देखिए कितना अच्छा ये हमारा सॉफ्ट आटा लग करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेते हैं। तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ दो में इस तरीके से, और इसे इस तरीके से करेंगे और इसके एक पेड़ तोड़ लेंगे। तो बस उतने ही पेड़ तोड़ने हैं जितने कि ये जिस तरीके से हम चपाती के लिए तोड़ते हैं उसी हिसाब से हमें ये तोड़ करके तैयार कर लेने हैं। और बस इन्हें बना करके इस तरीके से तो ये इस तरीके से हम बना करके सभी लोई को तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सभी को बना करके तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम एक साइड कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ सूखा आटा। तो हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से लेंगे और इसे बेलेंगे। तो पहले हम इसे बेल लेते हैं सूखा आटा लगा करके। थोड़ा से पतला करके ही बेलना है। और ये लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब इस पे हम बीच में फिटिंग रखेंगे, हमने ये फिटिंग बना करके रखी हुई है। अब इसे इस तरीके से रख देंगे और इसे और फिलिंग रख देते हैं। फिलिंग आप थोड़ी ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बस इसे इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे बना करके तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, ये देखिए, ये बन गया हमारा तिकोना टाइप। इन्हें इस तरीके से दबा देंगे इस तरीके से, अच्छी तरीके से दबाएंगे और बस इस तरीके से हम इसका डिज़ाइन बना करके तैयार कर देंगे। ये लीजिए, यहाँ पे चिपकाएंगे और इसे इधर लगा देंगे और इसे उठाएंगे और इसे इधर बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, ये बन करके तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइन। ये लीजिए, देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। उठाना है, फिलिंग लेनी है, सेंटर में रखना है और इस तरीके से इसे एक साइड से पहले थोड़ा इस तरीके से दबा लेना है। ये लीजिए, और बाकी बचा इधर, इसको हम इस तरीके से दबा देंगे। इसको यहाँ तक दबा दिया और इसे बचे हुए को इससे हमने इधर ये दबा दिया। ये लीजिए, ये तिकोना टाइप हमारा बन के तैयार हो गया है। आप इसको इसी तरीके से भी कर सकते हैं या आप इसको बस चिपका अच्छे तरीके से लीजिएगा और इसे कोने को पकड़ेंगे इधर से और इसे इधर चिपका देंगे यहाँ पे। अब इधर से लेंगे और इसे इधर चिपका देंगे यहाँ पे, और अभी से लेंगे इधर भी लेंगे कोने पे और इसे इधर कॉर्नर पे चिपका देंगे। तो ये लीजिए, बन करके तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइन। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है देखने में। इसी तरीके से हम ये डिज़ाइन बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे डिज़ाइन वाले भी बन करके तैयार हो गई है। आप आ जाइए, इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई को अच्छे तरीके से गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, मैं इसमें तेल डाल देती हूँ, रिफाइंड ऑयल, और इसे गर्म होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है, इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मीडियम हॉट ऑयल को ही करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। तो बस एक बार में जितना ये हम उतने ही रखेंगे और गैस की फ्लेम को कम कर देंगे जिससे कि ये धीमे धीमे आंच पे आराम से पकते रहें, अच्छे तरीके से अंदर से भी सब्जियाँ हमारी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे, अलटते पलटते हुए इन्हें अच्छे तरीके से सेक लेना है। तो आइए चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, इसका
नीचे से अच्छे तरीके से सिक गए हैं। अब हम इसको पलट देते हैं। तो इन्हें हम इस तरीके से पलट देंगे। तो ये लीजिए, ये हमने सभी को इन्हें पलट दिया है। अब इन्हें इधर से भी अच्छे तरीके से फ्राई होने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना प्यारा इनका कलर आ गया है। ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। एक प्लेट पे टिश्यू पेपर लेंगे और इन्हें निकाल लेंगे। इनको थोड़ा सा कच्चे से लग रहे हैं, थोड़ा इन्हें और सेक लेते हैं इधर से। तो ये देखिए फ्राई हो गए, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। इनका कलर देखिए कितना प्यारा कलर आया है। आइए अब हम इसको सर्व कर देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर केचप, मैं टमाटर केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे हरे धनिया चटनी के साथ या टमाटर और हरे प्याज की चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और ये देखिएगा, ये हमारी प्लेट हो गई है तैयार। और कितनी मज़ेदार हमारी ये बनकर के रेसिपी तैयार हो गई है। ना कोई समोसा, ना कोई कचौड़ी। तो इस तरीके से बनाइएगा, बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश, खाइएगा और तारीफ पाइएगा। तो ये देखिए बहुत ही करारे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।